करें। मोमिन कभी नहीं घबराता, मोमिन आजमाइश के बाद निखर के आ जाता है और मुनाफिक आजमाइश के बाद बिखर जाता है, टूट जाता है। इसलिए हिम्मत से काम लीजिए, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक हदीस पर गौर करें, सुनन तिर्मिज़ी किताब ज़ुहद किताब नंबर 34 हदीस नंबर 2398 साद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, अय्युन नास अशद्दु बलान, कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये बतलाइए सबसे ज़्यादा तकलीफ़ें किन लोगों ने उठाई है। गौर कीजिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, अल अम्बिया थुम अल अम्सल फल अम्सल, सबसे ज़्यादा तकलीफ़ें नबियों ने उठाई है, सबसे ज़्यादा नबियों को आजमाया गया, फिर उसके बाद जो ईमान में कम होते चले गए उनकी आजमाइश हुई है। इसलिए मेरे भाइयों, ये शिकवे शिकायत करना अल्लाह की मदद कब आएगी ये सही नहीं है। अल्लाह ताला अपने नेक बंदों को आजमाता है, और आजमाता है तो बिल्कुल वो आदमी ऐसा हो जाता है, गुनाहों से पाक को साफ हो जाता है, और अल्लाह ताला उनके लिए जन्नत का रास्ता आसान कर देता है। दुआ कीजिए अल्लाह ताला हम सबको जन्नत में दाखिल कर दे। जोर से बोलिए आमीन। ऐसे ही और वीडियोस बनाने में हमारी मदद करें